Hey guys, this is Manya and I'm back again with a new vlog. So today I will be sharing what are documents that you will need to file your visa application if you're moving to abroad as an international student. I will be giving you my checklist that what are documents I have uploaded, and I just want to tell you guys that I got my visa in 7 days. So please follow this checklist and I hope you guys also get your visa as soon as possible. So stay tuned and watch this video till the end, and I hope this video will be informative for you guys. So follow all the tips. So guys, now let's talk about the documents. What are documents you need? So the first mandatory document is your passport. You will have to upload a scanned copy of your passport on the IRCC portal. That is the basic requirement they ask for. Then comes the letter of acceptance, guys. If you are studying in college or university, that doesn't matter. So you will have to upload a valid letter of acceptance from the university or the college, and it should not be conditional, guys. You must fulfill all the conditions of the college and you must get the unconditional offer letter from there. Then comes the tuition fees receipt. तो tuition fees receipt भी जो आपने college में fees pay की होगी तो college ने आपको receipt generate करके दिया होगा, so वो भी आपको upload करना पड़ेगा. Then मैंने IRCC के portal पे पढ़ा था कि आपको passport size photographs भी at least दो वहाँ पे upload करने पड़ेंगे. फिर GIC, guaranteed investment certificate, proof of funds in a Canadian bank account. फिर एजुकेशन लोन. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, इफ एनी ऑफ यू हैव टेकन एनी एजुकेशन लोन देन यू विल हैव टू शो द सैंक्शन लेटर ऑफ द सेम. एंड अगर ये तो अपलोड करना ही पड़ेगा, और आपको प्रूफ ऑफ फंड्स आपके बैंक अकाउंट में कितने हैं वो भी आपको शो करना पड़ेगा. अब SDS कैटेगरी एंड नॉन SDS कैटेगरी दोनों का अलग होता है. मेरा SDS कैटेगरी से था एंड मैंने कुछ अराउंड 7 to 8 lakh शो किए थे अपने बैंक अकाउंट में. देन आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा 2 ईयर्स का, अपने पेरेंट्स का ही होगा वो तो, एंड 2 साल का पूरा आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करना पड़ेगा. देन ITR रिटर्न, ये मैं सारे अभी फैमिली डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ. ITR रिटर्न भी आपके पेरेंट्स का होगा 2 साल का, एंड आई थिंक आप करंट ईयर का डालो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी 2023 का ही डाला था एंड 2020-21 का भी था, बट करंट ईयर का डालो तो ज़्यादा बेटर रहता है. देन बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जो आप अपने फंड शो करोगे यहाँ के बैंक अकाउंट में, उसका एक आपको बैंक सर्टिफिकेट बना के देगा कि अश्योरिटी, इट्स अ काइंड ऑफ अश्योरिटी कि आपके बैंक में इतना अमाउंट है. सो ये भी मैंडेटरी है. देन IELTS स्कोर कार्ड, ये तो कैसे भूल सकते हैं हम. IELTS हमने दिया है इतनी मेहनत से, सो इसका स्कोर कार्ड भी अपलोड होगा. देन SOP. सो गाइज, SOP इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो इसमें ये एक ऐसे टाइप का ही होता है, इसमें ये लिखा होता है कि आप क्यों कनाडा जाना चाहते हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, देन आप वापस आओगे कि नहीं, फिर आपके कोर्स के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपके बारे में, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड, ये सब के बारे में इसमें लिखा रहेगा. ये आप खुद से भी लिख सकते हो, एंड इसके लिए प्रॉपर टीचर्स भी होते हैं, मतलब कंसल्टेंसी वाले भी करवा के देते हैं. तो आप देख लो ये तो कैसे होगा. मैंने बाहर से लिखवाया था एंड ये सब रहता है. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 25% वीज़ा का पोर्शन SOP लेता है. एंड देन जो मेडिकल एग्ज़ाम हमने दिया था उसका सर्टिफिकेट, जो ई मेडिकल सर्टिफिकेट हमें मिलता है, वो भी हमें अपलोड करना पड़ेगा. देन सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th, अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट, डिग्री, फिर ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ जो आपको मिल रहा है सब कुछ अपलोड कर दो, कुछ भी मत छोड़ो. देन फिर अगर आपने कोई कोर्स किया हो, जैसे अगर आपने स्किल्स अगर कोई सीखी हो, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखा, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे वो जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने किया उन्होंने मुझे एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जो कि इंटरनेशनली भी वैलिड था. सो मैंने वो भी अपलोड कर दिया ताकि एक मेरी स्किल ऐड हो जाए एंड वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस और बढ़ जाए. तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे मैंडेटरी जो मैंने अपलोड किए थे, एंड इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किया था. मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो लोग CA रिपोर्ट भी कैरी करते हैं, बट CA रिपोर्ट गाइज इसीलिए कैरी करना होता है क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो एंड आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करवाई हो,
देन इसीलिए सीए रिपोर्ट बनता है क्योंकि सीए पूरा वैल्यूएशन आपको लिख के देता है कि अच्छा आपकी प्रॉपर्टी का ये रेट है एंड क्या मतलब प्रोसेस रहेगा उसका. तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा लोन तो विदाउट कोलैटरल है. सो बस इतना ही था गाइस, यही सब डॉक्यूमेंट्स है. अच्छे से वीडियो देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स याद कर लो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी ही रहने वाले हैं, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे. एंड अब नेक्स्ट वीडियो मैं पैकिंग वीडियो डालूंगी होपफुली, क्योंकि मेरे बैग्स भी आ चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे बैग्स वगैरह एंड क्या क्या सामान मैं कैरी करने वाली हूँ वो सब बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, डू हिट अ लाइक बटन एंड अच्छी स्पीड से ग्रो करना है मुझे. एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाई.